हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज मैं ये जो प्लांट दिखाने जा रही हूँ ये है कलांचो का प्लांट और बहुत ही सुंदर आने वाला प्लांट है। ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह आता है और इसकी फ्लावरिंग इतनी सुंदर होती है, बहुत सारे बटरफ्लाइज भी ये अट्रैक्ट करता है। अभी भी यहाँ देखिए मेरे इस प्लांट के ऊपर एक बटरफ्लाई बैठा है और बहुत देर से यहाँ पर बैठा है। शायद मुझे लगता है वो सो रहा है, इसलिए वो उठ नहीं रहा। इतना में पॉट हिला रही हूँ इस प्लांट का, फिर भी वो हिल नहीं रहा है। तो इतने सुंदर फूल देने वाला ये प्लांट है। इसके कई सारे कलर्स आपको नर्सरी में मिलेंगे, ऑरेंज, रेड, पिंक, बहुत सारे कलर्स इस प्लांट के आते हैं। इसके जो फ्लावरिंग होती है वो जब रातें लंबी होती है या फिर डार्कनेस का पीरियड ज़्यादा होता है विंटर सीजन में, तब इसकी फ्लावरिंग आती है। मैंने इसको जून या जुलाई में मैंने एक बार फर्टिलाइज़र दिया था और ये कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैंने कटिंग्स भी लगाई थी इसकी और फर्टिलाइज़र देने के बाद ये अच्छी तरह से ग्रो होने लगा और मैंने इसको थोड़ा सा इंडोर रख दिया था, इसलिए इसमें जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। आप भी इस प्लांट की एक ट्रिक है, जब आप इसको फ्लावरिंग नहीं आ रही हो अगर आपके प्लांट में, तो आप इसको थोड़ा सा डार्कनेस जहाँ है वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ पर शैडो आती हो और ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता हो, या फिर एक जैसे कि कार्टन का बॉक्स होता है इसके ऊपर आप डाल दीजिए और 3-4 घंटे के लिए कार्टन का बॉक्स डाल दीजिए और फिर निकालिए। ऐसे उसको आप अगर एक्सपोज करेंगे डार्क के लिए, डार्क आसपास का जो डार्कनेस के लिए एक्सपोज करेंगे, तो इसमें फ्लावरिंग बड्स आने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक हार्मोन होता है इसके अंदर जो जब डार्कनेस होती है तब ये रिलीज होता है और वो बड के लिए यूज़फुल होता है, बड्स के लिए। तो जब भी आप इसकी फ्लावरिंग नहीं आती हो तो ये आप कर सकते हो, कहीं भी आप शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर डार्कनेस है, या फिर 3-4 घंटे की सिर्फ रोशनी आती हो और बाकी का दिन पूरा दिन वहाँ पर डार्क एरिया रहता हो, ऐसी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। एक 7-8 दिन आप उसी जगह रख दीजिए, उसके बाद इसको आप आउटडोर, एक बार बडिंग स्टार्ट हो गई इसमें बर्ड्स आने लगे तो आप आउटडोर या फिर सन के लिए शिफ्ट कर सकते हो। तो एक ट्रिक थी इस प्लांट की फ्लावरिंग आने के लिए। वैसे भी ये प्लांट विंटर सीजन में आसानी से फ्लावरिंग करता है, या फिर विंटर सीजन में इस प्लांट की फ्लावरिंग अच्छी तरह से होती है। अक्टूबर से तकरीबन फेब्रुवरी मार्च तक ये प्लांट फ्लावरिंग देता है, उसके बाद समर सीजन में थोड़ी सी इसकी पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी, या फिर शेडी एरिया में, पूरी तरह से शेडी एरिया में समर सीजन में शिफ्ट कर दीजिए तो ये प्लांट आपका बच सकता है। नहीं तो समर सीजन में कई बार कलांचोस मर जाते हैं, तब आपको इसकी जब आपको ऐसा लगे इसकी पत्तियां सब गिरने लगी है और प्लांट कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप इसकी कटिंग निकाल कर दूसरी जगह लगा सकते हो और आपके प्लांट को बचा सकते हो। ये कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और पत्तियों से भी ये आसानी से आता है। इस प्लांट को, ये प्लांट क्रासुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये सक्यूलेंट की कैटेगरी में आने वाला प्लांट है। सक्यूलेंट है इसलिए इसकी जो हम पॉटिंग सोइल करेंगे वो कैक्टस की तरह होनी चाहिए। 50% सैंड चाहिए, रिवर सैंड, और 25% गार्डन सोइल और 25% आप मैन्योर लीजिए। बेस्ट मैन्योर होता है इसके लिए काउडंग मैन्योर। आप इस प्रोपोर्शन में इस प्लांट को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ब्लूम करेगा। कई लोग इसको अच्छी तरह से ब्लूमिंग आने के लिए या फिर फ्लावरिंग आने के लिए पोटैश का यूज़ करते हैं या फिर रॉक फॉस्फेट का, वो भी बाज़ार में मिलता है रॉक फॉस्फेट, वो भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। रॉक फॉस्फेट के कुछ ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, वो आप एक चम्मच इसमें डाल दीजिए जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली हो तब, यानी कि सितंबर के आसपास इसको आप वो रॉक फॉस्फेट डाल सकते हैं। इसमें फंगस जल्दी लग जाता है इस प्लांट में, इसलिए वाटरिंग आपको सावधानी से करनी पड़ेगी। जब जब भी इस पॉट का सॉइल
पॉट की सॉइल जब ड्राई हो तब भी आप इसको वाटरिंग कर दीजिए। जैसे कि सक्यूलेंट में हम 4-5 दिन के गैप में एक बार पानी देते हैं। एक बार हमने पानी दिया तो आप 5-6 दिन तक पानी मत दीजिए, सॉइल को पूरी ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही इसको पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी देने से इसको नुकसान ही होता है, जैसे कि रूट्स में फंगस लगने लगा तो थोड़ा सा ये प्लांट पूरी तरह से मरने की संभावना होती है। जल्दी ऊपर भी स्टेम की तरफ भी इसके फंगस स्प्रेड होता है। इसके लीव्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसलिए इस प्लांट्स के जो ये लीफ होते हैं इसके बीच में कई बार आपको स्पेशली रेनी सीजन में इंसेक्ट्स यहाँ पर बढ़ने लगते हैं, वो यहाँ शेल्टर लेते हैं इस प्लांट के लीव्स में ताकि बारिश से बचे। इसलिए आपको जब भी आपको इंसेक्ट का अटैक इसके ऊपर लगेगा दिखेगा तब आप इसको नीम ऑयल और सोप वाटर से धो सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल इसको 8 दिन के स्पेस में या फिर 8 दिन के अंतराल में स्प्रे कर दीजिए, 3-4 बार इसको स्प्रे कर दीजिए 8-8 दिन का गैप छोड़कर, तो आपको उस तरह के इंसेक्ट से भी छुटकारा मिलेगा। स्पेशली रेनी सीजन में इसमें ज़्यादा थोड़े से कीड़े हो जाते हैं या फिर वो इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। इसको फंगस से बचने के लिए इसको जो हम पॉटिंग सोइल बनाएंगे उसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाना मत भूलिए। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंजीसाइड है, एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड है और वो अच्छे फंगस को नहीं मारता जो सॉइल में होता है, जो प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है वो सिर्फ जो डैमेज करने वाले फंगस है उसी को ही बढ़ने नहीं देता या फिर सॉइल में उसकी ग्रोथ नहीं होती। इसलिए ट्राइकोडर्मा अदर जो दूसरे केमिकल फंजीसाइड आते हैं उससे ट्राइकोडर्मा बहुत ही सेफ है और सारे प्लांट्स के लिए यूजफुल है। ये ट्राइकोडर्मा आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर इसकी पत्तियाँ ब्लैक होने लगी, जैसे कि बॉर्डर से ब्लैक होती है कई बार इसकी जो यहाँ पर नोड होता है वहाँ से ब्लैक होती है, तब समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर फंगल अटैक हुआ है। तब आपको ट्राइकोडर्मा पानी में मिला के आप उसमें इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो ट्राइकोडर्मा का, तो आपका जो स्टेम के ऊपर या फिर प्लांट के ऊपर जो अटैक हुआ है इसका फंगस का उससे आप बच सकते हैं। ये फंगस से बचने के लिए और इंसेक्ट से बचने के लिए, और पानी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पानी अगर आपने प्रॉपर दे दिया तो आसानी से ये प्लांट डिकेइंग होने से बच सकता है। सनलाइट, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। इंडोर रख रहे तो किसी भी सनी विंडो है जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती हो ऐसी जगह आप रख दीजिए। आउटडोर रख रहे तो थोड़ा सा शेडी एरिया जहाँ पर हो ऐसी जगह आप रख दीजिए, तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देगा आपको। ये प्लांट वैसे देखा जाए तो आसान भी है और थोड़ी सी केयर ली तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा देने वाला प्लांट है। अगर आप लगाना चाहते हो तो इंडोर आउटडोर दोनों जगह अच्छी तरह से ग्रो करता है और आसानी से आने वाला प्लांट है। ये कलांचो का प्लांट था। अगर आपको इंडोर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में और जानकारी चाहिए तो ये जो अफ्रीकन वायलेट का प्लांट दिख रहा है जो मैंने इंडोर फ्लावरिंग प्लांट के कैटेगरी में, उसका भी वीडियो बनाया है, वो मेरे चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हो। और बेगोनिया भी एक इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी मेरा वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर। बेगोनिया का भी आप इंडोर फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी में वीडियो देख सकते हो। तो ये कलांचो का प्लांट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।